अभी हम बैठे हैं कोट बांध के ऊपर, शिव जी का मंदिर है और नाथ जी का स्थान है। साध्वी योग श्री जी हमारे साथ में हैं और नाथ परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब ये कि पूरा इन्होंने ये अपना समर्पित भाव से सेवा करते हैं यहाँ पे। अमूमन लोगों की मानसिकता क्या होती है कि साधु संत जो होते हैं वो उन लोगों को पढ़ाई लिखाई का नॉलेज नहीं होता है, मतलब अंधविश्वास से गुजरते हैं। तो आज हम जानेंगे साध्वी योग श्री जी से कि ये कितने पढ़े लिखे हैं या कुछ मतलब कितना ये एजुकेटेड हैं। साध्वी योग श्री जी, मेरा नाम डॉक्टर साध्वी योगश्रीनाथ है। मैं MM हूँ, संस्कृत और दर्शन शास्त्र से MA हूँ। दर्शन शास्त्र में मैंने MPhil किया हुआ है। वर्तमान में मैं दर्शन गोरक्ष दर्शन पर PhD कर रही हूँ। आई पंथ में दीक्षित हूँ। नाथ संप्रदाय में 12 पंथ होते हैं, उनमें से आई पंथ एक होता है जिसमें महिलाओं को दीक्षा दी जाती है, उस आई पंथ में मैं दीक्षित हूँ। और PhD के बाद भी मेरा आगे रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते रहने का विचार है। प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है। पानी में तैरने वाला पत्थर है, ये राम सेतु शिलाखंड है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम सीता माता को लेने के लिए गए तो रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक उन्होंने पत्थरों का पुल बांधा। हर पत्थर पे राम लिखकर समुद्र में डाला गया और वो सभी पत्थर तैरे। ये साक्षात प्रमाण है कि पानी में पत्थर तैरते हैं, राम नाम लिखे हुए।